आज हर व्यक्ति को चाहे पुरुष हो महिला हो हमें काम करना बहुत जरूरी है। काम से हमारी पहचान है। जब हम दो लोग मिलते हैं पहला नाम पूछते हैं आपका नाम क्या है, फिर हमारे अंदर इच्छा होती है कि पूछे आप काम क्या करते हैं। तो ये एक अंतर्निहित सवाल है। इसका मतलब नाम के अलावा पहचान काम से भी आज इंसान की हो रही है। और बहुत तरीके का काम उदयपुर में, चाहे कोऑपरेटिव बना के, स्वयं सहायता समूह बना के, चाहे इस प्रकार के जॉब कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराते हम लेते हैं। ये थी दूसरी बात। तीसरी चीज, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना भी लाई है। शायद किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जिसका ई श्रम कार्ड बनेगा वो अगर उस 18 से 45 की कैटेगरी में आता है तो उसको 18 से 40 में तो उसका पेंशन कार्ड बन जाएगा। पेंशन कार्ड में सरकार बहुत ही न्यूनतम राशि आपसे ले रही है, आपके नाम खाते में डाल रही है, सरकार भी उतना पैसा उसमें डाल रही है। और जब वो आदमी 60 साल का हो जाएगा उसको 3000 रुपये की मासिक पेंशन आपको मिलेगी। क्या ये बात मालूम थी? मान लीजिए कोई 18 साल की उम्र में इस पेंशन योजना में अपना नाम लिखाता है, उसके नाम का सरकार एक खाता खोल देगी और उस खाते में 55 रुपये हर महीने उसको देंगे जब तक वो 60 का नहीं हो। 18 से लेकर 60 साल, मतलब 25 साल उसने और 25 साल में 55 रुपये महीने के हिसाब से उसने अपने खाते में कुछ 21 से 22 हज़ार जमा कराए। जैसे ही 60 साल पूरे होंगे 61वें साल से पहले महीने से 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। तो पीछे जा लो और जब तक जीवित है तब तक मिलेगी। मान लीजिए उसके घर में एक या दो या तीन लोगों ने कार्ड बना लिया, पूरा ये 10-12 हज़ार रुपये की पेंशन आधा नहीं दोनों पूरा एक साथ। कल को हो सकता है सरकार पेंशन की राशि बढ़ाए, बढ़ी हुई पेंशन है। ये बात कैसी लगी आपको? सरकार के इन प्रयासों के लिए क्या हम ताली बजा सकते हैं? और ये जो टीम यहाँ आई हुई है सारी, ये जितने स्वयं सेवी हैं, कृपया करके आपके बीच में पूरे दिन रहेंगे, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा। ये जितने भी हमारे लोग हैं ये इसी मकसद से आपके पास घर पे आए आज कि आपकी काम हो जाए। कुछ चीज़ों पे हमारा बस चलता है, कुछ पे नहीं चलता। अब नेट के ऊपर हमारा बस नहीं चल सकता, सर्वर डाउन हो गया या बिजली चली जाए, लेकिन कल भी हमारा ये शिविर किसी दूसरी जगह लगेगा। अगर आज किसी वजह से आपके कार्ड नहीं बनते तो भाई सौरभ जी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके योजना के, ये आपको बताएंगे, कल भी आप अपने कार्ड वहाँ पर बनवा सकते। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी अन्य जानकारी लेनी है तो गोविंद जी हैं, सौरभ जी हैं, रेखा जी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, दौलत राम रामा जी, सब आपको जानकारी देंगे। पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीम का बहुत ध्यान रखेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत शोर आ रहा है। उनको आपसे डेटा लेने हैं, डेटा फीड करने हैं, ये कार्ड जनरेट करना है। आइए मैं नाम बुलाता हूँ अपना कार्ड आपको दे। पहला कार्ड ये है रेखा कुमार।